हेल्क एपिसोड 3। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जा रहा है कि हेल्क सेमीफाइनल क्लियर करके फाइनल में पहुंच चुका है, जिसके लिए फोरी लाइट्स में से एक अजूद्रा द ब्लू वर्मिलियो को यह सजेशन देता है कि वो फाइनल मैच में उरम किंगडम को वापस हासिल करें, जिसके लिए वर्मिलियो मान जाती है और वो अब सारे कंटेस्टेंट्स के साथ उरम किंगडम के लिए निकल चुकी है। तभी हमें वर्मिलियो की खबरी आस्था को दिखाया जा रहा था, जो इंसानों की दुनिया में थी, और वो ये गौर कर रही थी कि इंसानों की दुनिया उनकी दुनिया से काफी अलग है, जहाँ उनकी दुनिया के वातावरण में हर तरफ जहर फैला हुआ है, जिसकी वजह से उनके सारे कैसल्स को बैरियर्स के अंदर रखा जाता है। वहीं इंसानों की दुनिया में ऐसी बैरियर्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, जिसे देख कर आस्था थोड़ी जलन महसूस कर रही थी। जिसके बाद आस्था को साउथ वेस्ट में जाना है, जहाँ इंसानी दुनिया का कैपिटल है और ये इंसानों का गढ़ भी है, इसलिए आस्था को सावधानी बरतनी होगी। जिसके साथ ही उसे ये भी पता चला है कि फाइनल के लिए वर्मिलियो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के साथ उरम किंगडम के लिए निकल चुकी है, जिससे मोटिवेट होकर आस्था भी अपने काम के लिए निकल जाती है। जिसके बाद ही हम मयूरा को बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जिनके बारे में जब हेल्क जानना चाहता है, तब केनरोस बताता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स वहाँ के टॉक्सिन से जन्मे हैं, जो देखते ही देखते अब तादाद में और भी ज्यादा बढ़ चुके थे, जिन्हें रोकने के लिए डोर से आगे आता है और कहता है कि अब उसे ही अपने पावर का यूज करना होगा। जिसके बारे में वर्मिलियो सोच रही थी कि वो अपने सेकेंड लेवल के पावर का यूज करेगा, तभी वो अपने पैकेट से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है, जिसके बारे में वर्मिलियो बता रही थी कि वो अपने पावर को यूज करने की तैयारी कर रहा है। तभी डोर से बता रहा था कि उसे बैरियर के पावर को यूज करने के लिए बीन्स खाने पड़ते हैं, जिस पर वर्मिलियो उसे टोकते हुए कहती है कि वो बीन्स की जगह चॉकलेट क्यों खा रहा है। तो वो बता रहा था कि ये उसकी बुरी आदतों में से एक है, जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो बीन निकाल कर खाता है और अपने पावर को यूज करने लगता है, जिसके लिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वर्मिलियो उसे पूछती है कि उसे बैरियर क्रिएट करने में कितना समय लगेगा, जिस पर वो बताता है कि उसे आधा घंटा लगेगा, जिसे सुनते ही वर्मिलियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पावर का यूज करके उन सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में ही जला देती है। वहीं इस पावर को देखकर हयूरा का एक डाउट क्लियर हो चुका था, जिसके बाद वो सब रात में एक बिल्डिंग में रुकते हैं जो बैरियर से प्रोटेक्टेड था, जहाँ सभी काफ़ी थके हुए थे, लेकिन वर्मिलियो गौर कर रही थी कि हेल्क बिल्कुल भी नहीं थका है और ना ही उस पर वहाँ के टॉक्सिन्स का असर हुआ है, जिससे वो समझ चुकी है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद किनरोस हयूरा से वर्मिलियो के बारे में पूछ रहा था, जो उनके साथ अपना नाम बदल कर आई है, जिसके बारे में केनरोस को बिल्कुल भी खबर नहीं है। जिसके बारे में हयूरा केनरोस को बता रही थी कि वो फोरी लाइट्स में से एक वर्मिलियो द रेड है, जो उनके साथ हेल्क की छानबीन करने आई है, लेकिन तभी वहाँ पर वर्मिलियो आकर उनकी बातों को सुन लेती है, जो उन्हें वार्न करती है कि वो कोई वर्मिलियो द रेड नहीं है, बल्कि एक मामूली असिस्टेंट है जिसका नाम एना है, और वो उसे उसके नाम से ही बुलाए। जिसे सुनकर केनरोस हयूरा को कह रहा था कि वो बेकार में ही चिंता कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेल्क ने सबके लिए खाना बनाया था और वो उन्हें टेस्ट करने को कह रहा था, जिससे वर्मिलियो काफ़ी चिढ़ी हुई थी, क्योंकि हेल्क अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था। जिसके साथ ही वो देखती है कि हेल्क ने उनके लिए एक प्लांट से कोई डिश बनाया था, जो वर्मिलियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वो नहीं खाएगी तो हेल्क को उस पर शक हो जाएगा कि वो उस पर नज़र रखने आई है, इसलिए वो किसी तरह से उस डिश को खा लेती है। जिसके बाद हम हॉन को अजूद्रा के साथ एक गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसमें हॉन अजूद्रा को आसानी से हरा दे रहा था। तभी वहाँ पर इस्ता आकर बता रही थी कि वर्मिलियो और सारे कंटेस्टेंट सेकेंड रेस्ट एरिया से निकल चुके हैं, जिन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स का भी सामना करना पड़ा, और वो अब उरम किंगडम के लिए निकल चुके हैं, जिसे सुनकर अजूद्रा काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन वहीं हॉन वर्मिलियो के लिए चिंतित था, जिसे सुनकर अजूद्रा उसे डांटते हुए ऐसा ना करने को कहता है। तभी इस्ता उन्हें सजेशन दे रही थी कि क्यों ना वो बैकअप फोर्स को भेजें, जिस पर अजूद्रा उसे बता रहा था कि वर्मिलियो लॉन्ग रेंज अटैक को यूज करती है और अगर उन्होंने बैकअप फोर्स को भेजा तो वो उनके रास्ते में आ जाएंगे, जिसके साथ ही अगर उनके कैसल पर हमला हो गया तो उनके कैसल को रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा। और फिर वो बता रहा था कि वर्मिलियो की ताकत उन सबसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी वर्मिलियो के लिए चिंतित था। जिसके बाद हम सारे कंटेस्टेंट्स को अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, जिनसे वर्मिलियो उन्हें ज़्यादा उलझने को नहीं कह रहे थे, लेकिन वो सब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपने पीछे लगा लेते हैं,
जिस पर डोर से कह रहा था कि ये उसके बैरियर का यूज करने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन वर्मिलियो से डांटते हुए ऐसा करने से तुरंत रोक देती है। तभी हयूरा वर्मिलियो को बताना चाह रही थी कि उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है, जिसके लिए वर्मिलियो जब पीछे मुड़ती है तब वो अपने सामने बहुत बड़े मॉन्स्टर को पाती है, जो केवल उन्हीं जगहों पर होते हैं जहां का टॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वर्मिलियो अकेले ही लड़ने का सोच रही थी। लेकिन तभी हेल्क उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए उसके आगे से निकल जाता है, जो उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने जा रहा था, जिसे देखकर बाकी सारे कंटेस्टेंट्स उस पर शक कर रहे थे कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं। लेकिन तभी डोर से हेल्क के बारे में बताते हुए कह रहा था कि हेल्क टूर्नामेंट में बिना वेपन्स के भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और अभी तो उसके पास एक हथियार भी है। तभी सब गौर करते हैं कि हेल्क ने अपने पास एक तलवार भी रखा है, जिससे सबको यकीन हो गया था कि हेल्क उस मॉन्स्टर को अपने तलवार से मारने वाला है। लेकिन वो सब ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि हेल्क अपने तलवार को छोड़कर अपने पैरों से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स उसे देखते ही रह जाते हैं, जिसके साथ ही उसने उनके लिए एक ओपनिंग भी क्रिएट कर दिया था, जिससे होकर सब वहां से निकलने वाले थे। लेकिन वर्मिलियो उस मॉन्स्टर को जलाने के लिए रुक जाती है, जिससे समझ नहीं आ रहा था कि हेल्क को उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ पहले से कैसे पता था, जिससे उसे ये भी लग रहा था कि कहीं ये मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में भी तो नहीं होते, और इन सब की वजह से हेल्क के बारे में और भी सीक्रेट्स इकट्ठा होते जा रहे थे। जिसके बाद वो सब उरम कैसल के पास पहुंच चुके थे, जहां पर वर्मिलियो का एक स्पाई पहले से प्रेजेंट था, जो उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा दिखाता है जिससे वो डायरेक्टली अंदर पहुंच सकते हैं। तभी वर्मिलियो ने गेम्स के रूल समझाती है, जिसके मुताबिक जो भी विंग नाइट्स के लीडर को मारेगा वही डीमन लॉर्ड बनेगा, जिस पर केंड्रोस को पूरा विश्वास था कि हेल्क डीमन लॉर्ड बनने वाला है। वहीं डोरसे को केवल उसके चॉकलेट्स की पड़ी थी, लेकिन हयूरा को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बस दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब असली समय आएगा तब वो दोनों डीमन लॉर्ड बनने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, इसलिए वो भी अपना बेस्ट देने का सोचती है और विंग नाइट्स के लीडर को मारने का सोचती है। वहीं वर्मिलियो पास्ट की बातों को याद कर रही थी, जहां जूदरा उसे बता रहा था कि उसी ने हेल्क को उस टूर्नामेंट के बारे में बताया, लेकिन वर्मिलियो उसके बारे में पहले से जानती थी। जिसके बाद जूदरा बता रहा था कि जब वो डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर चुका था तब वो थॉर कैसल में ऐसे ही घूम रहा था, जहां उसकी नज़र हेल्क पर पड़ी, जिसे देखते ही वो समझ गया था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसके साथ ही उसे उसके बनाए हुए ट्रैप से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। जिस पर वर्मिलियो जूदरा से पूछ रही थी कि क्या वो हेल्क से लड़ने की वजह से इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका है, जिसे सुनकर जूदरा बता रहा था कि वो हेल्क से लड़ा ही नहीं बल्कि वो अपने ट्रैप में गिर के घायल हो गया था, जिस पर वर्मिलियो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लेकिन जूदरा वर्मिलियो को विश्वास दिला रहा था कि हेल्क बाकी इंसानों जैसा नहीं है, लेकिन वर्मिलियो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जिसके साथ ही वो सब अब उरम कैसल के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वहां पर केवल 7 विंग नाइट्स ही प्रेजेंट हैं। तभी वर्मिलियो उन्हें शांत रहने को कह रही थी, लेकिन वो इतनी जोर से बातें कर रही थी कि सारे विंग नाइट्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं, जिसे देखकर सारे कंटेस्टेंट्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें देखकर वर्मिलियो कह रही थी कि उनमें अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। तभी हेल्क भी उसके आगे से निकल जाता है, जिसके बारे में वर्मिलियो सोच रही थी कि क्या वो सच में उनके साइड से फाइट करने वाला है। वहीं हम देख रहे थे कि वो सब विंग नाइट्स को बहुत आसानी से हरा रहे थे। तभी हयूरा बहुत तेजी से उनके लीडर की तरफ बढ़ती है, लेकिन उनका लीडर पलक झपकते ही हयूरा के हाथों को काट देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।